पैर जो थे मेरे बिल्कुल सुन्न रहते थे, खड़ा नहीं हो सकता था, 3-4 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, 3-4 सेकंड भी नहीं खड़ा सकता। ऑपरेशन हुआ मेरा ये 22 में, 6 अप्रैल को। थोड़ा चलने में फ़र्क पड़ा था, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, चल नहीं सकता था, थोड़ी दूर चलता था, और ये लेफ्ट राइट में यहाँ यहाँ से लेकर नीचे तक दर्द है। इंजेक्शन इंजेक्शन के बाद लगाने कमर के दर्द कितना खत्म हो गया? बस हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सुनील सैनी, ट्रॉमा लेजर सर्जन, एक्सपर्ट इन लिम लेंथिंग, डिफॉर्मिटी करेक्शन एंड पेन मैनेजमेंट। DSCB के इंजेक्शन के यूजेस जो कि मल्टीपल कंडीशंस के अंदर आज के टाइम में हो चुके हैं, बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनको सर्जिकल इंटरवेंशन यानी कि सर्जरी हो चुकी है कमर की, उसके बावजूद भी कई बार उनको रिलीफ नहीं आता है। उसके कई सारे कारण होते हैं, जिसमें नंबर 1 कारण होता है डिस्काइटिस, नंबर 2 कारण होता है कि अगर हमारी नर्व्स अभी भी इन्फ्लेम्ड रह जाती है, दैट इज कॉल्ड न्यूराइटिस, तो वो भी एक होता है। कई बार पेशेंट्स को इन्फेक्शन डेवलप है, तो रिसेंटली मैंने एक पेशेंट देखा, उनको ऑपरेट होने के बाद फिर इन्फेक्शन डेवलप हो गया, नाउ ही इज हैविंग डिस्काइटिस। तो वो कंडीशन और ज़्यादा दर्द से भरी हो जाती है, और पेशेंट्स की फिर उम्मीदें कम हो जाती हैं कि अब मैंने ऑपरेट भी करा लिया, उसके बावजूद भी मेरे को आराम नहीं आ रहा। ऐसी कंडीशंस के अंदर भी DSCB इंजेक्शन पेन मैनेजमेंट के अंदर काम किया जाता है। ऐसे एक मरीज है हमारे पास, मिस्टर कृष्ण चंद जी, ये हमारे पास हिमाचल से आए हैं। इन्होंने अब इनसे जानेंगे कि 4 साल पहले इनको पैरों में कमर में तकलीफ थी, इन्होंने ऑपरेट कराया, उसके बाद क्या कंडीशन रही, और फिर ही हमारे पास DSCB इंजेक्शन के लिए आए पोस्ट सर्जरी, और इस समय एक इंजेक्शन के बाद इनकी क्या कंडीशन है। तो कृष्ण सन जी बताइए क्या क्या आपको तकलीफें थी और सर, मुझे पहले पैर में बहुत दिक्कत होती थी, चलने में बहुत दिक्कत होती थी, चल नहीं पाता था। ये समस्या कब से थी आपको? 3-4 साल हो गए थे, ठीक है। और पैर जो थे मेरे बिल्कुल सुन्न रहते थे, खड़ा नहीं हो सकता था, 3-4 मिनट खड़ा नहीं हो सकता, 3-4 सेकंड भी नहीं खड़ा सकता। बीच में ऑपरेशन कराया मैंने, ऑपरेशन कब हुआ आपका? ऑपरेशन हुआ मेरा ये 22 में, 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 2022 को आपको कमर बाईस का का ऑपरेशन किया। हाँ जी इनका ओपन डिसेक्टोमी है, आई विल शो यू द फोटो आल्सो, आपको फोटो नजर आ रही है साइड के अंदर, वो इनकी स्पाइन की हम दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद आपको 2022 अप्रैल में आपको ऑपरेट हुआ, उसके बाद क्या क्या चीज़ आपकी ठीक हुई या नहीं हुई, क्या सिचुएशन थोड़ा रही? चलने में फ़र्क पड़ा था, पर उतना फ़र्क नहीं पड़ा था, चल नहीं सकता था, थोड़ी दूर चलता था, और लेफ्ट राइट में यहाँ यहाँ से लेकर नीचे तक दर्द है, दर्द दर्द, झंझनाहट, सुनपन आपका जनजनाहट। ऑपरेशन के बाद ही बरकरार था? हाँ, अब कभी बरकरार कभी था, रात को ऐसा होता, झनझनाहट पैर में बहुत होता था, बहुत नींद ज्यादा नहीं आती झंझनाहट थी, होता, पेन किलर खाने उसके बाद थोड़ा आराम होता था। उसके बाद थोड़ा। तो ये सिलसिला मतलब ऑपरेशन के बाद भी ये सिलसिला आपका लगातार चलता रहा कि चलता आपको रहे रात में इतनी झंझनाहट, सुनपन रही कि फिर आपको इंजेक्शन लेने पड़े या दवाई खानी पड़ी, है ना? हाँ दवाई, जी हाँ जी पेन किलर्स रोज खानी पड़ रही है, ऐसा होता? नहीं, कभी कभी जैसे, अच्छा, कभी जैसे करंट नहीं बजते उस करंट तरह से करंट बजते, बजते तो थे, ये करंट से कभी आपका ऑपरेशन से पहले भी था, लेकिन ऑपरेशन के बाद पहले इसमें ज़्यादा कोई था, इम्प्रूवमेंट ऑपरेशन नहीं से था, बाद थोड़ा कम हुआ, थोड़ा कम पर हुआ। अब इंजेक्शन लाने के बाद ज़्यादा ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आप इंजेक्शन के लिए आए, हाँ हमने जी, कितनी बार आपको इंजेक्ट किया एक बार किया है? एक बार पहले, इंजेक्शन। तो उसके दूसरी बाद बार से कितना, आज आप सेकंड, ये सेकंड सिटिंग के लिए हमने, आप हमारे पास आए हैं, हमने फर्स्ट सिटिंग इनको एग्जामिन किया था, इनफैक्ट इनकी पावर भी वीक है। पंजे को ऊपर की तरफ खींचिए, ऊपर की तरफ खींचिए, हाँ, ये अंगूठे को खींचिए, तो ये ताकत कम है ना, तो हाँ जी हाँ जी, EHL EDL वीकनेस है इनको, इसमें भी कुछ सुधार लगने लगा है आपको? थोड़ा सुधार थोड़ा लग रहा। सुधार लगने लगा, हाँ दैट जी, इज द ब्यूटी ऑफ DSCB, कि आपकी पावर के अंदर भी इंप्रूवमेंट लेके आएगा धीरे धीरे, ग्रेजुअली ओवर द पीरियड, और इसके साथ में इनको एक्सरसाइज, रिहेबिलिटेशन, मैंने नर्व स्टिमुलेशन दिया, बहुत इंपॉर्टेंट पहले है। कमर में बहुत दर्द रहता था, कमर में दर्द तो है ही नहीं, है पर थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत इंजेक्शन इंजेक्शन के बाद लगाने कमर का दर्द कितना खत्म हो गया? बस कोई 60% ठीक है। 60% ठीक है, तो हाँ जी, यानी कि जो ऑपरेशन से नहीं हो पा रहा था, अब इंजेक्शन के बाद तुरंत आपको एक इंजेक्शन लगते 60% साठ इंप्रूवमेंट आ परसेंट गई है, ठीक है, और पैरों में जो झंझनाहट, सुनपन, भारीपन था वो वो भी चला गया है। चला गया, 60% सुधार है। हाँ जी, पर ये है चलो, कि अभी जैसे खड़ा नहीं हो सकता मैं ज्यादा देर, वो प्रॉब्लम तो इनको है, बैलेंसिंग वाली बैलेंस प्रॉब्लम की है, है। बैलेंस वाली प्रॉब्लम है, इनको मैंने वही बताया कि जब तक ये पावर नहीं आएगी, ताकत नहीं आएगी, तब तक ये दिक्कत रहेगी। हाँ जी अब देखिए, आपका कमर का दर्द गया, सबसे पहले समस्या तो वो थी, हाँ पैरों जी की जो झंझनाहट, सुनपन, भारीपन थी, उसमें 60% कमी हो गई हाँ इंजेक्शन जी के हाँ बाद। जी अब आगे में फिर इंजेक्ट करेंगे, एक्सरसाइजेस देंगे, हाँ जी हाँ जी रिहेबिलिटेशन करेंगे, तो काफ़ी उम्मीद है कि ये हाँ जी, दोबारा से रिकवर कर जाए। जैसे पैर जो है ना मेरे, ये जैसे जकड़े नहीं होते कोई चीज़, जैसे पकड़ के जकड़ के वैसे हैं, पर पहले से थोड़े खुल गए हैं, पहले से खुल पहले गए हैं, ज़्यादा ठंडे रहते थे, अब थोड़ा गर्माहट भी आ गई है गर्माहट इनमें। सी आ गई है।
यानी कि सुधार की तरफ जा रहा है, सुधार की तरफ। थैंक यू। और आप इतनी दूर से आए उसके लिए धन्यवाद, और आपका ट्रीटमेंट हम कर पा रहे हैं और काफी हद तक आप ठीक भी हो, सेटिस्फाइड हैं आप? मैंने तो डॉक्टर साहब ऐसा था कि यार यूट्यूब में देख देख कर रोजाना के, मैंने बोला एक बार वहाँ जाना मैंने जरूर, कैसा भी है। और हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट चंबा के कोने के बहुत दूर के हैं, बहुत दूर से हैं, तो ये है कि सुधार आया तभी मैं आया हूँ। ठीक है, इसीलिए अभी आपको सुधार तो आया, आने का फायदा लगा, आने का फायदा हो रहा तभी तो मैं आया दोबारा। सही बात है, आने का फायदा तभी तो दोबारा आया, पहली बार तो हर कोई एक्सपेरिमेंट करने भी आ सकता है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ डीएससीबी इंजेक्शन की पोस्ट सर्जरी पेशेंट को ऑपरेशन होने के बाद भी उतना आराम नहीं आया जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, हम लोग भी सर्जिकल इंटरवेंशंस करते हैं बट समटाइम्स, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी हम इंडिकेटेड केसेस के अंदर सर्जरीज करें, जैसे मैंने बताया कि 80-90% मरीजों के अंदर डिस्क की समस्या के अंदर, शैटिका पेन के अंदर सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर हम 10-15% इंडिकेटेड केसेज है जिनके अंदर हमने सब कुछ ट्राई कर लिया उसके बावजूद भी पेशेंट को पेन चले जा रहा है, देन डेफिनेटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट पेशेंट्स को बेहतर मिलती है क्योंकि हम ऑलरेडी सब कुछ ट्राई कर चुके हैं। अब जैसे इस केस के अंदर हमने देखा कि इन्होंने एक ही इंजेक्शन के बाद से इनकी कमर के अंदर 60% इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, इनके पैर की झंझनाहट, सुनपन, भारीपन ये कम होके जा चुका है, अकड़न ये कह रहे हैं कम हो गई है, पैर में पहले ठंडक ज्यादा लगती थी अब जो है गर्माहट लग रही है, तो इसका मतलब जब इंजेक्शन लगा के गया ना तो हमारे बहुत हैं वैसे मरीज भी, आप ठीक हो जाएंगे तो हम भी जाएंगे, आप भी हो बेहतर। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और फिर आपके सारे मरीज जो बेचारे तकलीफ में हैं हम उन सबको भी ठीक कर पाएंगे, है ना। सो इस तरीके से डीएससीबी इंजेक्शन वर्क करता है, इवन नॉट ओनली प्री सर्जरी लेकिन पोस्ट सर्जरी भी, अगर किसी को पेन रह गया है, अभी भी उनको प्रॉब्लम चल रही है, शैटिका का पेन है, कमर में दर्द है, तो इन कंडीशन के लिए भी डीएससीबी इंजेक्शन को दिया जा सकता है, आपकी पेन को मैनेज करेगा, उसके साथ में आपको फिजियो रिहैबिलिटेशन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई एम वेरी हैप्पी कि पोस्ट सर्जरी भी डीएससीबी एक इंजेक्शन पेशेंट को दर्द को खत्म कर रहा है और पेशेंट रिलीफ में है और वो एक एक्टिव पेन फ्री लाइफस्टाइल लीड कर सके, इससे बेहतर चीज हो ही नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, आपको आपके जानने वालों में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में किसी को इस प्रकार की समस्या है, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस है, टेनिस एल्बो है, फ्रोजन शोल्डर है, शैटिका पेन है, कमर की प्रॉब्लम्स है, लंबर डिस्क स्पाइन प्रॉब्लम्स है, इवन फुट ड्रॉप्स है, हमने अभी रिसेंटली दिखाया था कि हमारे पास पेशेंट थे तेतिया, उनके फुट ड्रॉप्स, मैंने उनको सर्जरी के लिए बोला बट ही वॉज नॉट विलिंग टू गो फॉर सर्जरी एंड दैट हैज इम्प्रूव्ड कि 3/5 तक उनकी पावर आ गई, आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर दैट पेशेंट। सिमिलरली इनके अंदर भी ये पावर पूरी रिकवर हो जाएगी ग्रेजुअली बिकॉज अब नर्व रिस्पॉन्ड करने लगी है, तो नर्व रिस्पॉन्ड करेगी, नर्व स्टिमुलेशन दिया जाएगा, फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन के माध्यम से कंप्लीट तरीके से ठीक हो। तो ऐसी कोई भी समस्या आपको आपके जानने वालों में, आपके परिवार में है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट हमारी टीम से शेयर करके फ्री ओपिनियन हमारी टीम से ले सकते हैं। दोस्तों, आगे भी आपको ऐसी हेल्थ टिप्स मिलती रहे इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। Thank you.